फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे 5:30, मैं उठी हूँ। तब तक फुआ जी ने और माँ ने मिलकर सारा कुछ खाना बना लिया है, दाल चावल भुजिया और लिट्टी ले जाने के लिए पूरी सब कुछ बन चुका है। और यहाँ पर मैं फाइनल पैकिंग कर सकती हूँ। तो हमारा जो लगेज है ना, 1, ये तो इनके साथ जाएगा, 1, 2, 3 3 लगेजेज हो रहे हैं। एक ही अपना बैग अपने साथ लेकर जाएंगे, मैं अपना हैंड बैग अपने साथ लेकर जाऊंगी। कुर्ती जो मुझे पहनी थी मैंने प्रेस कर ली, आजकल पैंट मैंने प्रेस कर दिया है, इनकी तो कल ही प्रेस कर दी थी मैंने, ये शर्ट पैंट की वाली डाल के जाएंगे। तो लगभग मेरे तरफ से सारा काम हो चुका है। एक दो चीज़ें जो छुट्टी हैं बस उनको पैक कर लेती हूँ, रख देती हूँ कहीं पर, अरेंज कर देती हूँ। और बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा धोकर मिलती हूँ आप सबसे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी आप सब देख सकते हो, सुबह सुबह जो हजाम अंकल है ना, वो आ गए थे, तो इन्होंने भी अपना हेयर कट कराया। और शायद सेविंग नहीं, सेविंग तो ये खुद ही करते हैं, हेयर कट कराया। और अंश भी बेचारा, इसको ज़बरदस्ती उठाया मैंने और सेविंग करने के लिए भेजा, सेविंग में बोल रही हूँ क्या, मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ, हेयर कट कराने के लिए भेजा मैंने। और ये बेचारा बस इसको, मतलब वो साइड साइड से बोलते हैं ना, हमारे साइड में बोलते हैं पट्टी छटवाना, तो वो बस मैंने कराया है, क्योंकि जो गांव के हजाम होते हैं ना, वो बाल ख़राब कर देते हैं। तो बस अंश का भी हेयर कट वगैरह हो गया, फिर मैं और अंश नहा ली और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। तो जो नॉर्मल मेरा रूटीन होता है स्किन केयर, वो है टोनर वगैरह अप्लाई करके, एलोवेरा जेल। और फिर मैं नया लेकर आई हूँ फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम, जिसका रिव्यू मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी एक्चुअली थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ, इसके मेरे वीडियोस भी काफ़ी लेट आते हैं, और लेट इस वजह से भी आते हैं क्योंकि आप सब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसका मैं क्या बोलूँ, 50% 20% भी व्यूज़ नहीं आता है। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप सब वीडियो देखा करो। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे आप बता सकते हो कि और क्या कंटेंट मैं लेकर आऊँ, तो वो मैं लेकर आऊँगी, तो आप सब देखना। तो बस यहाँ रेडी शेडी हो गई हूँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, आंच भी रेडी हो गया है, ये भी नहा धो चुके हैं, और क्योंकि शैम्पू किया मैंने तो वे बाल गीले गीले से हैं, तो सभी बस रेडी हो चुके हैं। और अभी फुआ जी भी रेडी हो चुकी हैं, बस फुआ जी तो निकल ही रही हैं हमसे पहले, तो वही चली गई थी क्योंकि बस मेरी ज़िद की वजह से वो रुकी थी, वरना वो नहीं रुक पाती क्योंकि फूफा जी को कहीं निकलना था। तो उधर फूफा जी निकल रहे हैं, और इधर हमारा सामान भी गाड़ी में रखा जा रहा है क्योंकि हम भी बस 10 मिनट में निकलने ही वाले हैं, और अंश इधर बैठा है। तो बस अब हम निकल गए घर से, हम निकले थे 8:30 बजे लगभग, तो फाइनली अब बिहार छूट रहा है, घर छूट रहा है, तो यहाँ से तो यही ड्राइव करके लेकर गए थे। और थैंक गॉड, सच्ची में ना, अगर गाड़ी वगैरह अपने पास हो ना तो ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर थे ना, वो एक्चुअली मूवर पैकर से हमारी कार भी जाने वाली थी, तो उन लोगों के ही ड्राइवर आने वाले थे, तो वो काफ़ी लेट हो गए थे, इस वजह से वो टाइम पर नहीं पहुँच पाए। तो हमने उनको लगभग 20 किलोमीटर आगे जाकर पकड़ा, वो बस से उतरे, फिर उन्होंने ड्राइविंग स्टार्ट की। और ये देखिए हम पटना पहुँच चुके हैं, और पटना में भी थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक जगह जो मतलब जाम वगैरह लग गया था इस वजह से, लेकिन हाँ टाइम से हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो बस ये पटना का ही सफ़र है जो कि बहुत ही अच्छा था, बट हाँ आधे रास्ते से ही, पटना पहुंचने से पहले से ही, थोड़ी देर पहले से ही मेरे सिर दर्द स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिर दर्द हो गया था। इतना ज़्यादा सिर दर्द हो गया था ना कि फ़्लाइट में मैंने 2 बार उल्टी किया, और फिर गोवा पहुँचते भी फाइनली उल्टी हो गया मुझे, मतलब पूरा गला ऐसा लग रहा था ना जैसे छिल गया है, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से बहुत ऐसे हो जाता है ना। तो ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं कैंपस में, और अब बस सामने पहुँच ही गए हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो चली जाएगी, मूवर पैकर्स वाले जो हैं वो यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे और हमें वापस से गोवा में हैंड ओवर कर देंगे। और अब बस यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। तो अंश की, पापा जी की और की फर्स्ट फ्लाइट है, तो इन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आगे आप सबको ज़रूर बताऊंगी। पूरे फ्लाइट में, पूरे रास्ते में, हर जगह अंश ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, इससे ज़्यादा मज़ा तो किसी को आ ही नहीं सकता। सब बहुत आराम से थे, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अंश ले रहा था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, आगे आगे भाग रहा था, वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड था, वीडियोज़ भी बनवा रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश था बेचारा। तो चलिए चलते हैं अंदर। थोड़ी देर हमने वेट किया क्योंकि वही मैंने बताया ना आपको कि कार लेने आने वाले थे, तो उनका जो मेन इंचार्ज था वो भी आने वाला था डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर। तो बस अंदर हम एंटर हो चुके हैं, जो भी सामान वगैरह का चेकिंग ये सब होता है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई थी ना फ्लाइट से, तो इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत कुछ भूल गई थी किधर क्या होता है। तो बस ये सारी चेकिंग वगैरह कराया हमने, और अंश को तो बस बेचैनी है कि फ़्लाइट में कब बैठेंगे, फ़्लाइट में कब बैठेंगे। तो हमने लगभग 1-1.5 घंटे वेट किया, उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी।
और इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है ना, जिसकी वजह से माँ पापा जी एकदम परेशान हो गए थे कि ठीक है मतलब फ़्लाइट से अप डाउन करना तो अच्छा है, बट इतना ज़्यादा हेक्टिक है ना कि इतनी देर कौन वेट करे। तो और बारिश, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। जैसे ही हमारी फ़्लाइट का टाइम है उससे 10 मिनट पहले बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बट फिर भी इन्होंने फ़्लाइट टाइम से स्टार्ट मतलब ये कर दिया था, उड़ा दिया था मतलब। और यहाँ पे जो प्रिंगल्स का बॉक्स देखा ना आपने, ये मैंने 400 रुपीज़ में लिया एयरपोर्ट पे। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना कि क्या है ये 400 रुपीज़ का देते हैं लोग, कितना ज़्यादा प्राइस चढ़ा कर रखते हैं ना। लेकिन अंश ने जिद किया तो मैंने सोचा चलो बच्चे ने बोला है तो ख़रीद देते हैं, बट अब नहीं ख़रीदूँगी कभी। तो बस अभी हम यहाँ आ गए बस से फ़्लाइट के पास तक, और अब यहाँ पे अंदर एंटर हो रहे हैं। तो अंदर हमारी सीट थी, मैं, माँ और अंश एक साथ बैठे थे पहले, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं पापा जी और माँ को एक साथ बिठा देते हैं ताकि इन लोगों को भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसे एक दूसरे के साथ मतलब बैठेंगे। तो फिर हमने ऐसे सीट चेंज कर लिया, मैं और अंश, और ये अंश के पापा एक साथ बैठ गए और फिर माँ पापा जी एक साथ बैठ गए बाद में। और यहाँ पटना टू दिल्ली वाली फ़्लाइट में तो इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ भी ढंग से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो विंडो, पूरा विंडो जो होता है ना वो उस पर बारिश की बूंदे पानी पानी सा हो रहा था। तो बस सबकी पहली फ़्लाइट थी, बहुत अच्छी रही फ़्लाइट, बहुत मज़ा आया। कैसा लग रहा है अंश, आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, कैसा लग रहा है अंश? अच्छा। बताओ बताओ, इधर देखो बताओ, मज़ा आ रहा है? तो हम दिल्ली लैंड हो चुके हैं और यहाँ के बाद मैंने कुछ देर तक बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा सिर दर्द, चक्कर, अजीब सी हालत थी ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। और नेक्स्ट अब हम गोवा के फ़्लाइट में बैठ चुके हैं, यहाँ से अब हमारी गोवा के लिए फ़्लाइट है दिल्ली टू गोवा। और जैसे ही गोवा की फ़्लाइट में मैं बैठी उसके 10-15 मिनट बाद ही मुझे बहुत सारा वॉमिटिंग हुआ, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें जो थैली पड़ी होती है ना जिसमें पैकेट्स वगैरह, जिसमें बुकलेट्स वगैरह होती हैं, उस थैली में ही मैंने वॉमिट किया क्योंकि जब आपको वॉमिट करना होता है ना उस वक्त आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मतलब आपको होने वाला है और आप दौड़ कर भाग कर जा पाओ। और फिर ये हमारा मेन्यू बुक था जिसमें सैंडविचेस थे, जूस, कोक, कॉफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें, बिरयानी, तो वो सारी चीज़ें आई, बट हमने कुछ भी नहीं खाया। घर लेकर आई कि घर खा लूँगी तब तक तबीयत ठीक हो जाएगी, बट वो भी नहीं हुआ। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारे लगेज का, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लग गया था लगेज का वेट करते करते। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और घर की हालत बहुत ख़राब है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।